चलिए तो इसी पर शुरू कर लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई। ये बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जवानों ने 3.5 से 4 किलो हेरोइन को पकड़ा है। आपको बता दें कि खयाली वाला बॉर्डर पर पकड़ी गई है ये हेरोइन है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पाक ने ड्रोन से भारतीय सीमा में फेंकी थी हेरोइन। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और यहाँ पे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 4 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। 5वें की तलाश जो है वो लगातार जारी है, और ऐसे में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से श्रीगंगानगर से ये खबर आ रही है, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जवानों ने 3.5 से 4 किलो हेरोइन भी जब्त किया है। आपको बता दें कि पकड़ लिया गया है खयाली वाला बॉर्डर पर, ये हेरोइन को पकड़ा गया है ड्रोन की मदद से, जो है पाकिस्तान से भारत में फेंका गया था। और अब जो है 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 4 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। 5वें की जो तलाश है वो लगातार जारी है। तो ये जो मामला सामने आया है, भारत पाक बॉर्डर पे जिस तरीके से ड्रोन की मदद से जो है हेरोइन को फेंका गया था, आपको बता दें कि बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जवानों ने 3.5 से 4 किलो हेरोइन को जब्त कर लिया है। खयाली वाला बॉर्डर पर पकड़ी गई है हेरोइन। आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया, लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है। खबरें ये भी है कि पाक ने ड्रोन से भारतीय सीमा में ये हेरोइन को फेंका था, और आपको बता दें कि 4 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वां जो है अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाशी जो है लगातार की जा रही है। श्रीगंगानगर की खबर, भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, और जवानों ने 3.5 से 4 किलो हेरोइन को जब्त कर लिया है। और ऐसे में अब तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है। बीएसएफ के जवानों ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाक ने ड्रोन के से जो है भारतीय सीमा पे ये हेरोइन फेंकी थी। ड्रोन की यहाँ पर मदद ली गई थी, यानी कि आसमान से जो है तस्करी का जो काम है, तस्करी का जो खेल है, वो साफ तौर पर देखने को मिला है। श्रीगंगानगर की खबर, जहाँ पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने ये कार्रवाई की है, और जवानों ने यहाँ पर 3 से 4 किलो जो है हेरोइन को जब्त किया। सहयोगी भरत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई की है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल, ये जो रायसी नगर का जो खयाली वाला चेक पोस्ट है, वहां पर 4 किलो के करीब जो हीरोइन है वो पकड़ी गई है, और जो 4 तस्कर है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और उनका जो एक साथी है वो फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश के अंदर जो बीएसएफ है, पुलिस है, वहाँ की जो स्थानीय है, उनके द्वारा लगातार वहां पर जो है वो जांच की जा रही है। 5वें जो उनका साथी था उसको पकड़ने की तलाश की जा रही है। मगर निश्चित तौर पे गंगानगर का जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर लगातार ये तस्करी की जो वारदातें हैं लगातार घट रही है। पिछले दिनों के अंदर करनपुर के पास भी जो है 5 तस्कर पकड़े गए थे, उनके पास में भी लगभग 6 किलो के करीब जो है वो हीरोइन मिली थी। और ये जो तस्कर है ये पंजाब से आए बताए जा रहे हैं। इनके पास में एक क्रेटा कार थी, उसके अंदर ये सवार होकर आए थे, और यहाँ पर जो है वो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर लगातार सख्ती बढ़ा दी गई है बॉर्डर एरिया के अंदर। उसके बाद में पाकिस्तान के जो तस्कर है, राजस्थान और पंजाब के जो तस्कर है, उनका जो सॉफ्ट जो टारगेट है वो श्रीगंगानगर का जो आसपास का इलाका है बॉर्डर का, वहां का रखा गया है। और पहले भी लगातार इस तरीके की वारदातें होती रही है, पाकिस्तान से जो है वो लगातार तस्करी की जाती रही है। गंगानगर के अंदर पकड़े गए हैं, गंगानगर से जो तस्कर है हीरोइन की जो खेप लेके निकले हैं बॉर्डर के ऊपर भी पकड़े गए हैं, कुछ पंजाब के अंदर जाने के बाद भी पकड़े गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार है तस्करी की जो घटनाएं हैं, वारदातें हैं, ये ज्यादा हो रही है। ठीक भरत, यहाँ पर 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 की तलाश अभी भी जारी है। भरत, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।